यार गाइस, मैं आज आया हूँ जर्सी लेने के लिए। भाई आप लोगों को पता है सर्दी आ चुकी है, तो जाहिर सी बात है यार, सर्दी तो कोट शोट तो लेना है ना भाई, क्या करें। सिंगल लड़के होते हैं ना, उनको ज्यादा सर्दी होती है, तो मैं यहाँ पे आया हूँ जर्सी वगैरह यहाँ से पकड़ता हूँ। सर कोई जर्सी हमें भी दिखाएं। देखो भाई ये टंगे हुए हैं अभी, ये देखो ये सारे सर्दी के। ऐसे तो मुझे समझ नहीं आएगी, आप लोग एक निकाल के मुझे देंगे ताकि मैं पहनूं। कौन सी है? अच्छा ये व्हाइट वाली यार जल्दी मिट्टी हो जाती है। दूसरी देख ले, कोई ब्लैक वाली। अच्छा वो कोट नहीं है आप लोगों के पास जो रेगजीन वाले होते हैं? वो नहीं है भाई। अच्छा अच्छा, आप मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं? हाँ। अच्छा कब से? लाइक भी करता हूँ। लाइक भी करते हैं? हाँ। अच्छा अच्छी होती हैं? हाँ अच्छी होती हैं। अच्छा अच्छा भाई, यहाँ पे मैं आया तो कोट लेने के सबसे, भाई ये लड़का मुझे भी जानता है। आप लोगों के भाई की लेवल होगी अभी, माशाल्लाह भाई अच्छी बात है। हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक का। तो भाई मैं देखता हूँ कि लड़कों को मैंने यहाँ पे लगा दिया काम पे, ये भी मुझे ढूंढ के दे रहे हैं। मैं भी अंदर देखता हूँ, जर्सी वगैरह पकड़ता हूँ, अगर मुझे समझ आती है तो यहाँ से लेता हूँ। भाई मैं वहाँ पे गया, जैकेट मुझे एक भी पसंद नहीं आई, इसे सब मैंने सोचा यार लंडे वारी को करो बाय बाय, कोई अच्छी सी दुकान से खरीदेंगे ताकि भाई 400 रुपये इनको दें, क्या फायदा भाई। न्यू लेते हैं, तकरीबन 2000 का झटका लगने वाला है, तो मैंने सोचा छोड़ो जान दो 4000 को। अच्छा यार जो अभी आप लोग चेक कर रहे हैं, ये अभी आप लोग जो देख रहे हैं ये आम वगैरह ये सारे जहाँ मतलब उसे डेर के, तो हमारे पड़ोसी हैं, हम उनके पहाड़े में बैठे हैं, तो मैं कभी कभी यहाँ से भी आ जाता हूँ भाई, सुकून वाला माहौल होता है। और आप लोग चेक करें ये कितनी हरियाली है यहाँ पे, सिर्फ चिड़ियों वगैरह की आवाज़ है, जैसे पक्षी जानवरों की आवाज़ है, बाइक वगैरह कोई पॉल्यूशन वगैरह यहाँ पे नहीं है, शोर वगैरह बिल्कुल नहीं है। आई ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वैसे यार मुझे अभी सर्दी लग रही है, यकीन करें। मैं सोच रहा हूँ वो लंडे वाला अच्छा था, जो जैकेट मुझे वहाँ पे मिल रहा था वो अच्छा था, लेकिन मैंने नहीं लिया गलतफहमी की वजह से। गलतफहमी ये थी कि मैंने कहा यार अच्छे से अच्छा लेना है, तो अच्छे के लेने के चक्कर में अभी मुझे सर्दी हो रही है भाई। कभी कभी ये दिन भी देखने पड़ते हैं। लोगों को मैं बता रहा था आप लोगों को एक सरप्राइज देनी है, वो कौन सी देनी है भाई, ये चेक करें आप लोग, ये ड्रम्स लेके आए, एक ये एक दूसरी बाइक पे, अब मेरी बाइक पे ये ड्रम्स लोड करेंगे। जब ये ड्रम्स लोड करने हैं मेरी बाइक पे, तब यार यहाँ पे चोट लगती है भाई, मेरी बाइक पे डीजल भाई ये पंचर हो चुकी है, अभी इसको घर भेज रहे हैं, और इसका पेट्रोल भी इसका खत्म हो चुका है, पेट्रोल भी इसमें डलवा रहे हैं। मेरे पास न्यू बाइक है ना, उस पे ये डीजल लोड करेंगे। सर एक लीटर कितने का दे रहे हैं अभी आप लोग? 300 रुपए का, सस्ता हो गया यार। कितना डालना है? चौथाड़ा कितने का? 80 का। अच्छा यार गाइस, अभी मैंने शॉल वगैरह लगाया क्योंकि भाई सर्दी हो रही है, यकीन करें बहुत सर्दी हो रही है। अभी आप लोग सोचेंगे मैं पंप पे क्यों हूं, भाई पंप पे इसलिए आया हूं, ये डीजल लेना था हमें, आप लोग चेक करें। अभी ये मैंने लिया है 29 लीटर मेरे ख्याल से आ गए, मतलब मोटा मोटा आप लोग ये कह लें कि 9000 की ये सिर्फ एक ड्रम भी भरी है। पहले मैं कह रहा था यार महंगाई नहीं है, अभी मेरे हिसाब से महंगाई आ चुकी है। अच्छा यार फाइनली गाइस, डीजल वगैरह भरवाने के बाद भाई 10000 ठुकवाने के बाद अभी हम आ गए अलजिदा होटल पे। अभी यार क्या करते हैं, लेट तो बहुत हो चुकी है, आप लोगों को मैं टाइम दिखाता हूँ भाई, 7 बजने वाले, अंधेरा हो चुका है, तो तकरीबन अभी हम आ गए यहाँ पे खाना खाने के साथ। लगी है भूख? नहीं, भूख इसको नहीं लगी, लेकिन मुझे भूख लगी है, यकीन करें। तो पानी शानी हम यहाँ से पीते हैं भाई, आप लोग पीते हैं तो आए, नहीं तो भाई हम पानी पी रहे हैं और रोटी का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग गेस्ट करें हमारे पास किस चीज़ का सालन आने वाला है, जो हमें वीडियो चलने से पहले ईमानदारी से कमेंट करेगा, बताएगा कि हमारे पास ये सालन आने वाला है, तो भाई उसको मैं स्पेशली गिफ्ट करने वाला हूँ, स्पेशली उसको मैं गिफ्ट दूंगा। वो गिफ्ट कौन सी होगी वो भी उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा भाई, जो गेस्ट करेगा बताएगा कमेंट में बताएगा आप लोगों के पास ये सालन आने वाला है, तो भाई जल्दी जल्दी कमेंट्स करें, मुझे अभी सालन आया नहीं लेकिन आने वाला है, ईमानदारी से बताना है आप लोगों को। भाई आप लोग गेस करें ये हमारे पास सालन आ चुका है भाई, काफ़ी लोग अब ये कमेंट करेंगे शायद रोटी पहली दफ़ा खा रहा है भाई। ये वीडियो मैं अभी बंद कर रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ सालन दिखाने के लिए मैंने वीडियो बनाई।